ईसाई में हजरत बाबा ताजुद्दीन का 98वां सालाना उर्स बड़े ही सादगी से बिना किसी तामझाम के प्रारंभ हुआ है। न कोई जुलूस न कोई संदल, बड़े ही सादगी से इस साल उर्स मनाया जाएगा। कोरोना के चलते फिलहाल किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध है, जिसके चलते रक्तदान शिविर भी नहीं लिए जाने से शहर के ब्लड बैंकों में खून की कमी देखी जा रही है। उसी को ध्यान में रखकर नौजवान संदल कमेटी एवं लॉयंस ऑफ ताज ग्रुप द्वारा भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। नौजवान संदल कमेटी के माध्यम से कई सालों से यहाँ पर हजरत बाबा ताजुद्दीन का उर्स का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, मगर इस साल COVID-19 के वजह से संदल का प्रोग्राम नहीं होने के कारण से मंडल के सभी सदस्यगण, विशेषतः हमारे भाईजान जो है हम छोटे अमजद भाई और हमारे आरिफ भाई और उनके सभी टीम लोगों ने इस साल बहुत अच्छा प्रोग्राम लिया हुआ है कि उन्होंने इस माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन किया हुआ है। और आपको पता ही है कि आज नागपुर की जो परिस्थिति है, पूरे देश की जो परिस्थिति है कोविड की वजह से, ऐसे माहौल में रक्तदान शिविर का कार्यक्रम लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम जानते हैं कि इस दौर में रक्तदान की बात तो अलग है, लोग मेडिकल के अंदर में भी जाना नहीं चाहते। ऐसे वक्त में भी अच्छे बड़े पैमाने पर यहाँ पर रक्तदान लोगों ने रक्तदाता ने यहाँ पर रक्तदान किया हुआ है। मैं उन सभी रक्तदाताओं को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, उनको धन्यवाद मानता हूँ। और हमारे अमजद भाई ने सही मायने में उर्स का क्या मतलब होता है, उर्स किस प्रकार अच्छा किया जाता है, हजरत बाबा ताजुद्दीन का उर्स किस प्रकार मनाना चाहिए, एक मानवता के दृष्टिकोण से हर इंसान को हर इंसान के काम में आना चाहिए। और आज वही संदेश हमारे अमजद भाई ने पूरे नागपुर शहर को और पूरे देशवासियों को दिया है, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनसे इसी प्रकार की उम्मीद ये करूँगा कि हर साल इसी प्रकार का आयोजन किया जाए, ऐसी मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ। लायन ग्रुप एंड नौजवान संदल कमेटी ये कई 26 सालों से कंटिन्यू ये प्रोग्राम कर रही है इस एरिया में, और इस एरिया में सिर्फ ताजनगर ही नहीं तो विश्वकर्मा नगर, उसी तरह टुकड़ी चौक के सर्वे दुकानदार व्यापारी संघ, ये सब हमें सहकार्य करते हैं। साथ साथ में सर्व धर्म समभाव ये कार्यक्रम होता है, या सभी समाज के सभी धर्म के लोग हमारे साथ में मिलजुल काम करते हैं और उत्सव बहुत प्यारा मनाते हैं। हर साल काफ़ी पैमाने पे संदल निकलता है यहाँ से, लेकिन इस वक्त कोविड के वजह से इस वक्त संदल नहीं निकालते हुए एक अलग प्रोग्राम अरेंज किया गया है, जैसा कि ब्लड ग्रुप, ब्लड देने का, ब्लड जमा करके उसके बाद में यहाँ पर जो नागपुर महानगर पालिका के कर्मचारी, पुलिस डिपार्टमेंट के कर्मचारी और ये योद्धा जितने भी लोग हैं, इनका सबका सत्कार किया गया है, उनको मान सम्मान चिन्ह दिया गया है, उनको उसी तरह से प्रमाण पत्र दिया गया है। और ये कार्यक्रम जो कर रहे हैं एक सराहनीय कार्यक्रम है, क्या समाज में एक अलग मैसेज जाता है इसके वजह से, और समाज के सभी लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि विश्वकर्मा नगर के सभी वासियों और ताजनगर है, आदिवासी कॉलोनी है और बाकी एरिया है जैसे बजरी नगर वगैरह, ये सब एरिया के सभी लोग कार्यरत है और सभी कार्य करते हैं, इनका सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। और उत्सव का जितने मंडल के जितने सहकार्यगण हैं सभी सवेरे से सब जुड़े हुए हैं और भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, इसलिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। उसी तरह तुम्हारे बीसीएन चैनल ने भी हमारा एक प्रोग्राम लिया है, दिया है, इसलिए मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज नौजवान संदल कमेटी एवं लॉयंस ऑफ ताज ग्रुप की तरफ से उर्स के मौके पर जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है वो सही में ये बहुत ही काबिले तारीफ ये आयोजन यहाँ पे हुआ है कि आपको सभी को पता है कि कोरोना का समय चल रहा है और जिस प्रकार से ये वायरस पूरे विश्व भर में तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे समय पर इस प्रकार का आयोजन करना ये सही में बहुत बड़ी बात है। आज इस समय में लोगों को रक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है, रक्त की कमी के कारण कई पेशेंटों को बहुत बड़ी दुर्घटना का सामना करना पड़ रहा है और कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। ऐसे समय में ऐसा आयोजन कर जो संदल कमेटी है उनके जो अध्यक्ष है आरिफ खान और उसके जो कार्य अध्यक्ष है छोटा अमजद खान, इन्होंने सही में बहुत सराहनीय काम किया है और अच्छा मैसेज समाज को और पूरे नागपुर वासियों को दिया है। मैं अपनी ओर से संदल कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और
इस शिविर में जिस किसी ने भी रक्तदान कर अपना योगदान दिया, सभी रक्तदाताओं को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। धन्यवाद। आज जो परिस्थिति है यहाँ पर आकर जो देखा जा रहा है कि नव युवकों में उत्साह है कि वो रक्त देने के लिए स्वयं आकर यहाँ रक्तदान कर रहे हैं। मैं इस कमेटी का मेरे तरफ से और मेरे प्रभाग के तरफ से बहुत बहुत आभार मानता हूँ। जय हिंद। साथ ही इस समय कोरोना योद्धाओं का सत्कार भी किया गया। इस समय समाज सेवक गिरीश पांडव, नगर सेवक मनोज गावंडे, नगर सेवक विजय चुटेले उपस्थित थे।